एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी थोड़ी सी बेडशीट साफ कर रही थी क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मैं इधर ही लेट गई थी क्योंकि मेरे पेट में ना सुबह से दर्द हो रहा है। सुबह से मतलब मैं जब नहा कर आई थी तब से दर्द हो रहा है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी नहीं शूट मतलब कर पाई। मैं सोच रही थी सुबह ही करूँ बट मैं हो ही नहीं पाया मुझसे। और आज जो लंच था मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था, मतलब आधा काम मैं कर चुकी थी, फिर उसके बाद दर्द हो गया था तो फिर मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं हुई करने की, तो मैं लेट गई थी। फिर जब वो इनसे मैंने दूध वगैरह मंगवाया था तो ये चूर्ण भी लेकर आ गए थे, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा चूर्ण है। तो मैं उसको खा के थोड़ा सा मैं लेट गई, फिर मैं मुझे फिर नींद आ गई, मैं सो गई थी। तो मैं अब उठी हूँ, जाकर हो गया मुझे 15-20 मिनट हो गए मुझे उठे हुए, और आरना भी सो रही है। तो वही अभी मेरे हस्बैंड आए थे तो वही बोल गए हैं कि चूर्ण जो हम जो पहले खाते थे वो वाला नहीं है, मैंने बोला पर मुझे तो वही लग रहा है, मैं आपको दिखाऊंगी कौन सा है। उसको खा के थोड़ा सा मुझे आराम मिला है और सोचा चलो मैं अपना ब्लॉगिंग भी शुरू कर देती हूँ। फिर ऐसी मतलब चला जाता है पूरा दिन ना, अगर ब्लॉगिंग एक बार शुरू हो गई तब तो बनती रहती है, अगर नहीं शुरू होती ना तो फिर ऐसा आलस सा आ जाता है कि अभी शुरू हो जाएगा, अब शुरू करेंगे, अब शुरू करेंगे, बट हो ही नहीं पाता है। और लंच में आज बनाए थे वो कुलचे, और नहीं क्या बोलते हैं मटर, जो मटर कुलचे होते हैं ना वो। तो ये तो मुझसे मना कर रहे थे कि रहन तो थोड़ा हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैंने बोला मैंने कहा एक खाने दो, बड़े मन से मैंने उसको रात को भिगो के रखे थे तो एक खा लिया था मैंने बस। तो चलिए मैं अपना भी शुरू कर देती हूँ। अब जो पेट का दर्द है थोड़ा सा आराम है मुझे, थोड़ा सा ही आराम है, ज़्यादा नहीं, बट ये ना काम तो काम है, करना पड़ेगा। अभी आरना सो रही है और अभी ये लेकर आए हैं कुछ सब्जी वगैरह लेकर आए हैं, तो उसको वॉश करना है। वो जाके आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आए हैं। तो चलिए गर्मी बहुत हो रही है, फैन बंद कर रखा है। तो इसमें भिंडी है, एक ये पेप्सी की कोल्ड ड्रिंक की बोतल है कोका कोला की, शिमला मिर्च, और ये है मिनी पिज़्ज़ा जो बनाऊंगी नाश्ते में, देखती हूँ कल बनाती हूँ। आरना के लिए जेम्स, और आरना के लिए है आटे वाले नूडल्स, तो नूडल्स आजकल नूडल्स बहुत पसंद आ रहे हैं उसको। और इसमें सब्जियां हैं, तो ये तोरी है, ये घिया है, और ये अरबी है। तो ये लेकर आए हैं, तो इनको जाके मैं पहले वॉश करती हूँ। तो आप सबको पता ही है कि सब्जी आने के बाद, कुछ भी आने के बाद घर में तो क्या काम होता है। जी हाँ, बस एक यही काम होता है कि आगे इन सबको वॉश करो। तो यहाँ जो भिंडी है इन सबको भी मैं वॉश कर रही हूँ, जितनी भी सारी सब्जियाँ हैं उन सबको मैं धो रही हूँ। और ये जो पॉलीथीन जो है ना इनको भी मैं धो देती हूँ क्योंकि ना ये काम आ जाती है पॉलीथीन, तो इनको धो के थोड़ी देर ये नल पर रख के और फिर मैं इसको बाहर रख दूँगी, तो बाहर पूरी रात मतलब पानी अच्छे से निकल जाएगा। फिर जैसे छोटी मोटी कोई चीज़ रखनी हो फ्रिज में तो बहुत आसान मतलब काम आ जाती है, तो इसलिए मैं कभी भी पॉलीथीन जो है फेंकती नहीं हूँ। और जो देखिए सब्जी सारी यहाँ सूख चुकी हैं तो मैंने किचन में ही रख दिया, क्योंकि ये भिंडी वगैरह है ना तो आना ले लेके भग जाती है, और फिर इसको नूडल्स वगैरह भी दिख जाएंगे तो फिर वो खाने के लिए बोलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आज किचन में रख देती हूँ। और ये है वो चूरन जो ये लेकर आए थे, और इसको खाने के बाद ना मेरे जो पेट का जो दर्द था वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, बट हाँ ये था पूरा कम नहीं हुआ था। पर इसको सुबह शाम लेना है खाने में ऐसी पानी के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला चूरन। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो चुका था, 5:30 बज चुके थे, तो मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और शाम की झाड़ू मैं हमेशा ही निकालती हूँ, सुबह मतलब जब मैं सुबह उठती हूँ तो तब मैं झाड़ू निकालती हूँ, और शाम जैसे शाम होती है तब मैं झाड़ू निकाल देती हूँ। तो मतलब अच्छा बोलते हैं कि ठीक माना जाता है ऐसा बोलते हैं। तो कुछ कुछ लोग होते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते, कहते कि शुभ नहीं माना जाता, बट हम शुरू से ही मेरे घर में भी यही होता है कि शाम को झाड़ू हमेशा लगाई जाती है। और यहाँ पर फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद तो मैं मतलब जब नहाकर आई थी ना तो बिल्कुल भी मैंने बाल नहीं काटे थे, और मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे थे, तो मैंने इसलिए वॉशरूम में आकर ही मैं उसको कर रही हूँ, क्योंकि फिर यहाँ वहाँ बाल गिरेंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगे, कम से कम एक ही जगह रहेंगे तो मैं उठा के आराम से फेंक सकती हूँ, तो इसलिए मैं अंदर काट रही हूँ। और मुझे अभी मैं मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी में मैं खुद DIY
करती हूँ, मतलब बनाती हूँ, तो उससे मेरे जो बाल है ना कभी टूटते नहीं है, और हमेशा जो बाल हैं, जो बालों की लेंथ जो होती है वो भी बढ़ जाती है। मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी क्योंकि मेहंदी जो है वो मुझे मिल नहीं रही है, मैंने आपको भी पहले भी बताया था। तो यहाँ बस मैंने बाल वगैरह काट लिए हैं, फेस वॉश भी कर लिया था, क्रीम वगैरह सब लगा ली है, और ये चाय के लिए मना कर रहे थे क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है। तो इन्होंने बोला कि एक सौंफ का पानी बना दो, सौंफ का, तो वही बनाऊंगी। कल मैंने उसको देखा था तो कह रहे थे कि ये बना दो, बहुत इजी सा है। मैंने कुछ बोला कि चलो ठीक है बना देती हूँ, अच्छा लगेगा, मेरे पेट के भी लिए भी ठीक है और ठंडा भी है, तो इतनी गर्मी वैसे भी हो रही है। तो यहाँ मैंने निकाल लिया है जिसमें मैं सामान रखती हूँ छोटे मोटे, जैसे सौंफ वगैरह जो भी है, कलौंजी वगैरह, वो इसी डिब्बे में रखती हूँ। तो उसमें से मैंने जो सौंफ है वो मैंने निकाल ली है, और बस मैं इसमें फ्राइंग पैन रख दूँगी, और सौंफ, जीरा, और थोड़ा सा मैं डालूँगी उसमें धनिया, जो साबुत धनिया होता है वो, तो एक मतलब एक एक चम्मच तो मैं वो ले लूँगी, सौंफ और जीरा, और आधा चम्मच के करीब मैं उसमें धनिया ले लूँगी। तो इन सबको मैं कर लूँगी, हल्का सा रोस्ट कर लूँगी, और जब तक जो सौंफ है उसमें से जो खुशबू आएगी ना सौंफ की, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सब चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। तो बस इसको मैं कम कम गैस पे आराम से उसको भून लूँगी, और उसके बाद जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसको पीस लूँगी। तो अभी मैं ये इतना काम कर रही हूँ, और इसके बाद फिर इसमें मैं चीनी वगैरह भी डाल लूँगी, मतलब जब पीसूँगी ना इसको तो मैं इसमें चीनी भी ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए ये अच्छे से जो है रोस्ट हो चुका है, मैं आपको दिखा रही थी एक बार, तो ये है। और इसमें आपको धनिया और सौंफ और जीरा दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा, मैं जो मिक्सी जार है उसमें मैं 2 चम्मच के करीब ले लूँगी चीनी, और चीनी डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी पुदीना। ये पुदीना वही है जो मैंने मंगवाया था ऑनलाइन, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, बट जो फ्रेश वाला होता है ना जो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बट ये खुशबू तो उसकी वैसी ही है पुदीने वाली बिल्कुल। तो वो भी मैंने थोड़ी सी ले ली है। अब मैं इसमें जो मैंने जो रोस्ट करा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको पीस लूँगी। तब ये अच्छे से पीस जाएगा ना, फिर मैं इसको एक उसमें क्या कहते हैं उसमें निकाल लूँगी जग में। तो ये वही जग है जिसको मैं इस्तेमाल करती हूँ, आपने मुझे हर बार देखा होगा इसको इस्तेमाल करते हुए, तो मैंने सोचा इसमें ही निकाल लेती हूँ। और इसमें मैं 2 ग्लास के करीब ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, तो आप चाहो तो उसमें बर्फ़ भी डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाली थी क्योंकि ठंडा पानी ही, बहुत ठंडा पानी था ये। तो इसमें मैंने सौंफ का पानी डाल दिया है 2। अब मैं इसमें एक नींबू भी डाल दूंगी काट के, और इसको मैं छान के ग्लास में कर लूंगी। बनाया है सौंफ का पानी, और क्योंकि एक तो मेरा पेट भी खराब हो रहा था, ऊपर से गर्मी यहाँ पे इतनी पड़ रही है ना, तो हम कितना भी ठंडा पानी पी ले तब तक हमारे अंदर मतलब ठंडाई ठंडी नहीं रहेगी, अंदर से ठंडा नहीं रहेगा शरीर, अब तो कोई मजा नहीं आएगा। और सौंफ का पानी जो है वो शरीर को ठंडा करता है, इसलिए मैंने ये बनाया है। और ये मैंने मतलब बहुत तरीके हैं सौंफ का पानी बनाने के लिए, आपने देखा होगा कि पहले सौंफ को पूरी रात भिगो के रखो, फिर उसको पकाओ, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कल ही देखा था, उनका देखा था शेफ हरपाल सिंह जी, तो उन्होंने बनाया था, बहुत आसान तरीका है बनाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये तरीका उनका बनाने का, और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा है, तो ये फर्स्ट टाइम पे ही बहुत अच्छा बना है। तो आप सब भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि अभी गर्मी है, अभी ये नहीं है कि मतलब बारिश हो गई है तो ठंडा मौसम हो गया है, उसके बाद गर्मी आ ही जाती है, तो यहाँ बहुत गर्मी हो चुकी है, उसकी वजह से मेरे तो पेट में भी दर्द हो रहा है, तो
पेट के लिए भी ठीक है, शरीर के भी ठीक है, तो मैं ये कर रही हूँ एंजॉय। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी डिनर की तैयारी करूंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूंगी क्योंकि हल्का हल्का पेट में मेरे दर्द हो रहा है, तो मैं कर रही थी पहले एंजॉय। तो थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी, और जितनी भी है आरना को बिस्किट चाहिए था तो मैं उसको बिस्किट दे रही हूँ। उसने पहले ही कबर्ड खोल लिया था तो उसको भूख लग रही थी, तो मैंने बोला चल तू अभी बिस्किट खा ले, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। और मैंने निकाल लिया है ये जो सोयाबीन का चूरा होता है वो मैंने निकाला है, क्योंकि आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ सोयाबीन वाला क्या कहते हैं उसको कीमा, वेज कीमा बनाने वाली हूँ आज मैं। और यहाँ मैंने एक जग के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है, इसमें मैं जो सोयाबीन का जो चूरा है वो मैं इसमें ले लूँगी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो पहले मतलब अभी ही यूज़ करा है, नया ही पैकेट है ये, तो बस इसको मैं डाल के, और तो एक कटोरी के करीब मैं इसमें ले लूँगी, और आधी कटोरी मैं मटर ले लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब पहले मैं खुला मंगवाती थी पैकेट वाला नहीं, बट अब मैंने पैकेट वाला मंगवाया तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसमें बस थोड़ी सी मैं आधी कटोरी मटर भी डाल दूंगी, और एक पानी का एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें बंद कर दूंगी। और आरने की मस्ती आप देख सकते हो, मुझसे कह रही थी मम्मी मुझे देखो, वो अपना स्टैंड करके दिखा रही थी, तो यहाँ मैंने कर दिया है मतलब डाल दिया। और जो वो मटर है वो मैंने फ्रिज में रख दिया, थोड़ा सा बैठ गई थी मैं क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी किचन में, और बाहर का जो मौसम है बहुत अजीब सा हो रहा था, मैं आपको खुद दिखाऊंगी, इतना अजीब सा मौसम हो रहा था, एक तो येलो येलो हो रहा, ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था। तो यहाँ जो है मैंने रख कर दिया, उबाल आ चुका है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैं इसमें जो भी मुझे वेजिटेबल डालनी है वो मैं इसमें कट कर रही हूँ, तो मैंने बीन्स ले ली है, और एक गाजर और एक शिमला मिर्च ले लिया है, तो उसको बस मैं कट करके और उसको चॉपिंग कर लूँगी, तो हाथ से ही करूँगी क्योंकि अगर मैं वैसे करती मिक्सी से करती तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती, तो मुझे हल्का सा मोटा रखना है इसको, तो इसलिए ही मैं इसको हाथ से करूँगी। और ये चॉपिंग जो है वाली ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपको मेरे मतलब पहले भी आपको मैंने बताया हुआ है कि इसमें मैं हमेशा हर चीज़ काट लेती हूँ, उसमें आटा भी गूंथ जाता है बहुत अच्छे से, बट मैंने अभी आटा ट्राई नहीं करा है, एक कभी करूँगी, बट जितना अच्छा मैं हाथ से गूंथ सकती हूँ उतना अच्छा मुझे लगता है कि शायद इसमें नहीं गूंथेगा, बस ये चॉपिंग के लिए काम आता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ, और मेरा जो है बीच में पूजा का टाइम भी हो चुका था तो मैं यहाँ पूजा करने आ गई हूँ, और आरना ने मुझसे चुन्नी ले ली थी तो वो ऐसे ही करती है, तो बस यहाँ आके मैंने किचन में गई थी और फिर देखा कि जो भी सब्जी मुझे बनानी है वो जाके बनाऊंगी मैं अब। तो यहाँ मैंने उसमें तेल भी फ्राइंग पैन रख दिया है जिसमें मैंने जो शाम को रोस्ट करा था, तो वो भी मैंने वही मैंने कोई धोया नहीं है, उसी को यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है, तो बस रिफाइंड जब बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा ऐड कर दूंगी, एक चम्मच के करीब मैं इसमें जीरा ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि जीरा वैसे मेरे मना करते कि जीरा मत डालना, बट मैंने हल्का सा डाल दिया। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था तो वो भी मैंने कर दिया है। अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया, तो उसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और बाहर का मौसम मैं आप दिखाती हूँ आपको कितना अजीब सा ही हो रहा था और ज़्यादा हो गया था, बट आपको दिखाई नहीं देगा, ये बहुत ऑरेंज ऑरेंज हो गया था, बहुत अजीब सा ही लग रहा था देखने में। मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, तो ये था आज का शाम का जो था मतलब 7:30 का टाइम हो रहा था, और ये जो सामने जो मेरे ग्राउंड जो बना हुआ है यहाँ की जो घासें बहुत बड़ी बड़ी हो रही थी तो वो भी कट कर दी थी, और यहाँ पे लोग आके खेलने लगे थे, बॉल वगैरह खेल रहे थे फुटबॉल वगैरह, तो बस यहाँ करके। और फिर मैं किचन में आ गई थी तो फिर जो मैंने चॉपिंग करी थी वो सब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी ताकि जो भी है मसाला, नमक जो है ना वो बहुत अच्छे से मिल जाए, फिर मसाला मतलब जो नमक होता है वो कहीं कहीं रह जाता है, इसलिए मैं पहले ही नमक इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी।
तो नमक ऐड करने के बाद इसको मैं चला लूँगी, और जब बाकी जो सारे जो मसाले होते हैं, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, और जो लाल मिर्च है, जो मैंने हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था ना, वो ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मैं अभी लाल मिर्च ही यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी ही डाली है, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं, कि ये तीखी वाली है। और इसमें सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब जो मेरे पास जो एक कीमा मसाला है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आपको दिखाऊँगी। वो कीमा मसाला मैं हमेशा ही ऐड करती हूँ, मतलब अब मैं बना ही वेज कीमा रही हूँ, तो फिर कीमा मसाला डालना तो बनता ही है ना। तो बस यहाँ मैंने कीमा मसाला ऐड कर दिया है। अब जो मैं सोयाबीन थे, जो चूरा था, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हल्का सा मैंने इसमें पानी जो था इसका, मैंने निचोड़ लिया था, तो ये अच्छे से जो पानी इसका सूख गया है, तो बस मैंने इसको इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको मिक्स करके और थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी, हल्का सा करूँगी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से सोयाबीन में मिक्स हो जाए। ज़्यादा नहीं करूँगी, हल्का सा ही करूँगी, क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी नहीं रखनी है। अगर मुझे ग्रेवी रखनी होती तो मैं फिर इसका पानी नहीं निकालती, तो बस हल्का सा ही मुझे इसमें पानी रखना। और एक तरफ जो है मेरा दूध भी उबल रहा है, तो बस सब्ज़ी मेरी बन के तैयार हो जाएगी। गई है वैसे तो, खैर बस थोड़ा सा और पकाना है मुझे। हाँ बेटा, ये भी मैं छोटा क्या है, छुटकी होगी फिर आप ऐसे पूछो बेटा। और आप देख सकते हो ना कितना पसीना, मतलब इतनी गर्मी हो गई है। मैंने आपको बाहर का मौसम भी दिखाया था, एकदम ऑरेंज ऑरेंज हो रहा था, पर वैसे ना कैमरे में पता नहीं चल रहा कि ऑरेंज हो रहा है ये क्या है। और पसीने देख कितने आ रहे हैं किचन में काम करते करते। और मैंने डाला ये वाला कीमा मसाला इसमें, तो अब मैं बनाई वेज कीमा रही हूँ, तो उसका तो डालना बनता ही है। हाँ बेटा, ये बिस्किट है बेटा। चलिए, और मैं इसके साथ बनाऊंगी पराठे। अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में, मिलूंगी मैं आपसे। खाना वगैरह खा के, किचन वगैरह साफ करके, जो बर्तन है मेरे बहुत सारे हो चुके हैं, और बाकी मैं आपको दिखा दूँ। देखिए जो बर्तन है वो लगाने हैं, और ये बर्तन है इनको मुझे वॉश करना है, बस यही है। तुम चलिए, मैं अभी जाती हूँ बर्तन साफ करने। थोड़ा सा बैठ गई, कमर में मेरे दर्द हो रहा है। खाना पीना हो चुका है, बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब मेरा लास्ट का काम बचता है, जो मैंने दूध उबाला था वो ठंडा हो चुका है, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और मैं अपना व्लॉग भी यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।